तो हेलो गाइस, वेलकम एंड नमस्कार। आखिरकार जियो फोन में प्ले स्टोर आ गया है। सो आप देख सकते हो आपके सामने ये प्ले स्टोर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स सब लोग इसमें यही ढूंढ रहे थे कि जियो फोन में प्ले स्टोर कब आए। तो फ्रेंड आप देख सकते हो ये आपके सामने प्ले स्टोर है, मैं इसको अभी अपने फ़ोन में आपके सामने यूज करने वाला हूँ। सो आप इसको कैसे यूज करेंगे? अगर आपके पास भी जियो फोन है तो आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें से जो चाहे एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि मैं हमेशा जियो के बारे में न्यूज़ आपको सबसे पहले देता हूँ। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, आपको हर एक जियो फोन के बारे में वीडियो मिल जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जियो फोन में प्ले स्टोर कैसे डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही आप आएंगे, सबसे पहले अपने फ़ोन पर आने के बाद आपको आना अपने फ़ोन की सेटिंग पर। जैसे ही यहाँ सेटिंग पर आएंगे तो आपको फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। उस क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, तीन चार बार आपको राइट वाला बटन दबाना है। सो आपको यहाँ से ऐसे करना है, आपको लाना है फ़ोन के डिवाइस पर। डिवाइस पे लाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप डिवाइस अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक बार आपका फ़ोन होगा वो अपडेट हो जाएगा। और अब उसके बाद आपको आना है एक बार वापस। वापस आने के बाद एक बार अपने फ़ोन की ये जीरो है उसको लॉन्ग टाइम तक दबा के रखना है। जैसे आप इसको जीरो दबाएंगे तो वो आपको गूगल ब्राउज़र जो आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आपको एक बार वापस डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको यूट्यूब ऐप पर आना है। जैसे आप अपने फ़ोन में यूट्यूब को ओपन करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर तीन डॉट दिखाई मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो आपको यहाँ सबसे नीचे देखिए फ्रेंड, हेल्प लिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ आपको एक बार हेल्प पे क्लिक कर देना है। जैसे आप हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 5 सेकेंड में कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह ओपन होगा। तो उसके बाद में आपको सबसे ऊपर में तीन डॉट दिखाई देंगे ये यहाँ पे। सो आपको इस थ्री डॉट पे एक बार क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप राइट साइड में देखना, आपको यहाँ पे 9 बिंदु दिखाई देखे मिलेंगे। सो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सब एप्लीकेशन आपके सामने अपडेट हो जाएंगे। आपके फ़ोन में देखिए अभी प्ले स्टोर आ गया है। सो आप इसको यहाँ से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके फ़ोन में प्ले स्टोर आ जाएगा। अब उसके बाद में आपको न्यू ऐप चाहिए तो ये आपके फ़ोन में अपडेट होते जाएंगे। सो आप देख सकते हो, अब अगर आपको प्ले स्टोर लेना है तो आप इस प्ले स्टोर के बटन पे क्लिक करना। जैसे ही प्ले स्टोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जो जियो वर्जन का प्ले स्टोर ऐप है वो आपके सामने अपडेट हो जाएगा। अब आपको जो यहाँ से चाहिए, जो आप यहाँ से चाहिए, आप यहाँ से ऊपर में आके सर्च बार में जो आपको अपडेट करना है वो अपडेट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।